वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बॉय, आपका प्यारा प्यारा अमन। अरे यार, एक एक करके बोलते, एक ही टाइम पे दोनों क्यों बोले? रुको, फिर से बोलते। नहीं नहीं नहीं, लोगों को पता है तुम लोग का नाम। हाँ, और पता भी होना चाहिए। सही बात है। सो गाइस, आज हम लोग बहुत ही मस्त सी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जो की है प्रैंक ऑन माय मॉम। बे थोड़ा धीरे बोलना, कितना चिल्ला रही है। हाँ, धीरे बोलते हैं, मतलब मम्मी तो अभी सुन लेगी। दीवारों के कान होते हैं ना, वैसे मम्मी के भी कान है ना, उतने ही तेज है। हाँ, मम्मी है ना, चारों तरफ घूमती रहती है। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मम्मी के ऊपर प्रैंक करूँ। सो फाइनली आज मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग मम्मी को देंगे एक नकली सोने के जैसा दिखने वाला हार। मतलब ऐसा हार जो सोने का ना हो लेकिन सोने जैसा दिखता हो। तो मैंने क्या बोला? अरे मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया भैया। मुझे तो मेरा लाइन बोल लेने दो। हाँ, बोल। और जब मम्मी अपना बर्थडे केक कट करेंगी, तब हम मम्मी को देंगे उनका रियल हार। बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। ऐसा नहीं कि हमने मम्मी को पहले गोल्ड का ना नेकलेस नहीं दिया है, पहले भी दिया लेकिन वो कम बजट वाला दिया था। हाँ। लेकिन इस बार हम लोग ने बजट बढ़ा दिया है और अब मम्मी को देंगे हम लोग डबल बजट वाला हार। हाँ। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव सा हार। हाँ। देंगे। हमने जो मम्मी को रियल गोल्ड का हार दिया था। Yes. ना, उससे ब्यूटीफुल हार इस बार वाला होने वाला है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। खुशबू, तूने मम्मी को बताया तो नहीं है ना? मैंने मम्मी को बता दिया है। सच्ची में? ड्रामा मत कर, ठीक है? अरे यार, सच बोल रही है यार, खुशबू को बताना ही नहीं था। ये हमेशा ऐसे ही करती है, झूठ बोल रही है यार। जस्ट चिल। तेरे पर ना मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तू है ना, बता ही देगी मम्मी को, ऐसा मुझे पता ही रहता है। क्योंकि इसके पेट में ना एक भी बात रहती नहीं है, ये सबको बता देती। क्योंकि गाइस, इनको टेंशन हो रही है क्योंकि मेरा और मम्मी का बॉन्ड एकदम ऐसा है। सो गाइस, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। कल है ना मम्मी का भी बर्थडे और साथ साथ में हमारी बहन पायल का भी बर्थडे है। टू बर्थडे गर्ल्स इन अ हाउस। यस, मतलब देखो किस्मत तो देखो, पायल की एक ही दिन पे मम्मी का भी बर्थडे है और साथ में बेटी का भी बर्थडे। वाह वाह वाह। और ये बात है ना, मेरी मम्मी को खुद भी पता नहीं थी लेकिन इसी साल मम्मी को पता चला है। पता नहीं मम्मी अपना बर्थडे ना कब मनाती थी, जब मर्जी तभी मना देती थी। हम लोग कहते थे जब हमें केक खाने का मन करता था, मम्मी आज आपका बर्थडे, आज मना लो। क्योंकि मम्मी को पता नहीं था ना, पहले के जमाने में ना वो क्या बोलते, कुछ भी हो पता नहीं था, लिख के नहीं रखते थे, उनको पता नहीं होता था। यस, लेकिन अब मम्मी को चल गया है कि मम्मी का बर्थडे आता है 15 अप्रैल को। मतलब मेरे ही बर्थडे के दिन। गाइस, मुझे शायरी पेश करनी है। लड़कियों को हार तभी स्वीकार होता है, वाह 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 वाह। लड़कियों को हार तभी स्वीकार होता है जब वो हार सोने का हो। मुझे भी बोलना है। हाँ हाँ, बोलो। लड़कों को भी सुख चैन तभी मिलता है। हाँ हाँ। जब चैन है ना सोने चांदी का हो। वाह वाह। फाइनली अब है ना, हम मम्मी का जो ये नकली वाला हार जो है, ये मम्मी के असली वाले हार के डिब्बे में ना सजा देते हैं। मम्मी को है ना, मतलब क्या बोले, शक ना हो जाए कि हम लोग है ना उसके लिए नकली हार लेकर आए हैं। और पायल, ये देख के बता ना, असली जैसा लग रहा है ये वाला हार? दिखा तो सही। देख, अच्छा लग रहा है और एकदम असली लग रहा है। अरे मैंने बहुत ढूंढवाया, फिर मुझे ये वाला पीस मिला है तो मैं बहुत ही खुश हो गया। देखना, इसकी डिजाइन जो है ना असली सोने के हार जैसी ही दिख रही है ना। हाँ, और इसमें है ना उतना ज्यादा कलर भी नहीं है जैसे सोने के हार में नहीं होता ना। लेकिन ये वाला पता है कितने का मिला है? कितने का? 3500 रूपए बोला था लेकिन मैंने 2500 रूपए में लेकर आया। ओ, इतना महंगा? यस, मतलब देखना, मैं ऐसा बोला है कि इसपे ना सोने का पानी चढ़ा हुआ है, ऐसा बोला है उन्होंने। पता नहीं सच बोला है कि झूठ बोला है, मुझे तो नहीं पता। हाँ, और तू लेके आ गया? पर मैं क्या करूँ, जल्दबाजी में मुझे यही मिला तो मैं यही लेकर आ गया। जल्दी से फटाफट से पैक करके दे, मेरे हाथ में ना थोड़ा दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं करके देती हूँ, लेकिन मुझसे जैसा होगा वैसा मैं पैक कर दूंगी। ठीक है, कर दे, मैं तेरे को 10 रूपए दूंगा। ठीक है, और इस कैमरे के सामने ही 10 रूपए दे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तू हमेशा ऐसा कहता है, मुझे 1 रूपए भी नहीं देता। नहीं नहीं, इस बार तो दूंगा, खुशी का मौसम है ना इसलिए। मौसम है? अरे माहौल है, माहौल। कुछ भी बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट में क्या करूँ। होता है, होता है। फाइनली
पायल ने ये जो गिफ्ट जो है वो पैक कर दिया है। मैं जाता हूँ खुशबू के पास और उसकी है ना कल SS की एग्जाम है, सो उसको पढ़ाता हूँ और फिर है ना मम्मी को ये वाला गिफ्ट जो है वो देता हूँ, क्योंकि खुशबू है ना आज बिल्कुल भी सुबह से है ना पढ़ाई नहीं की है। उसकी ना मुझे टेंशन होती है कि उसकी एग्जाम अच्छी जाएगी कि नहीं, लेकिन उसको मैं पढ़ा देता ना तो उसकी एग्जाम है ना अच्छी जाती है। सो आज फिर से मैं जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और फिर मम्मी को ये गिफ्ट दूंगा। भैया हाँ बोल, ये गिफ्ट को हम कहाँ छुपाए? एक काम करना, बेड के नीचे रख दे। हाँ। शाम को मम्मी है ना झाड़ू नहीं लगाती। हाँ। तो एक काम कर, बेड के नीचे रख दे। हाँ, इधर ही रख देती हूँ। हाँ रख दे, वैसे भी खो जाएगा तो कौन सा भारी रकम वाला है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3,000 का ही तो है। चल चल चल, अब खुशबू को पढ़ाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। ये लड़की को देखो है? क्या कर रही थी? सो जाने दे। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखता हूँ क्या पढ़ रही है ये पढ़ रही है। What are the similarities between the information technology industry in Bengaluru and California? इतना सारा पढ़ने का अभी बाकी और देखो कितनी आराम से सो रही है। बोलो ना खुशबू को जगे, देखो कैसे सो रही है। थोड़ा आराम कर लेने दो। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो चाय बना के दे दो, वो उठ जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो आई हूं बनाने। ठीक है दे दो, और पायल अच्छे से पढ़ाएंगे ठीक है उसको। हाँ। आज तो उसको सारा याद करा देंगे। मैं भी पढ़ाता हूँ ठीक है। पायल ने ना बहुत ही अच्छी तरीके से ना इसको ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो पढ़ा दिए है। अब बारी आती है मेरी, मुझे ना इसको ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ना याद करवाने हैं। मतलब एक एक करके मैं ना इसको बोल रहा हूँ कि ये याद कर, और जब वो याद कर ले रही है ना तब मैं ना उसको पूछ रहा हूँ। और खुशबू तू है ना अब अगली बार से ना ऐसे एंड मौके पे ना पढ़ना है ना बंद कर दे। मैंने ना पहले से पूरी वर्कशीट रिवाइज कर ली थी कि एग्जाम के एक दिन आगे ना मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा अब क्यों आ रहा है प्रॉब्लम? मैं ना सब भूल गई हूँ आंसर्स। मतलब तूने ना रट्टा मारा है, मुझे पता है ना। समझ समझ के पढ़ेगी ना तो तुझे ना मतलब अपने ओन वर्ड्स में लिखना आ जाएगा। ठीक है अब समझ ही लेती हूँ, अब क्या करूँ। अब लास्ट मौका पे यही करना पड़ेगा। फाइनली हम लोग जा रहे हैं मम्मी के लिए गोल्ड नेकलेस के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अंकल ने कैसी डिजाइन बनाई होगी, जैसा मतलब मैंने डिजाइन दिया है वैसा सेम टू सेम बनाया होगा कि नहीं। वैसे तो मुझे उनके ऊपर है ना पूरा 100% भरोसा है, जैसा हमने डिजाइन बोला होगा ना वैसा का वैसा सेम टू सेम उन्होंने बनाया होगा, क्योंकि हमने ना उनसे ना बहुत सारी चीजें ली है और हर बार हम जैसा डिजाइन बोलते हैं ना वैसा का वैसा वो बनाकर देते हैं। सो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ना इयररिंग्स पहनने का ट्राई कर रही थी लेकिन उससे ना पहना ही नहीं जा रहा था, फिर उसने ना पायल की मदद ली और पायल ने ना बहुत ही जल्दी है ना उसको इयररिंग्स पहना दी। और खुशबू पे है ना ये वाला सेट कितना अच्छा लग रहा है, जैसा हमने सोचा था वैसा सेम टू सेम अंकल ने ना डिजाइन बनाकर दे दिए। हमने जो डिजाइन दी थी उससे काफी अच्छा बनाकर दे दिया है। इसलिए मैंने सोचा है ना कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना डेकोरेशन कर लूँ ताकि अच्छा दिखे फोटोज वीडियो में। बहुत सारी है ना चीजें लेकर आया हूँ, ये लेके आया हूँ फॉइल प्रिंट कर्टन, ब्लैक कलर का हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, बहुत सारा बलून्स के पैकेट, ये व्हाइट कलर में, ये पिंक कलर में और ये ग्रे कलर में। पायल बोल रही है ना कि मैं हेल्प नहीं करूंगी और यहाँ पे ना सोने का ड्रामा कर रही है। चल चल उठ जा ठीक है, चल ना हेल्प कर देना। मैं नहीं करने वाली यार। अरे ऐसा मत करना प्लीज। तुम दोनों के बर्थडे में ना मैंने डेकोरेशन किया था, हेल्प तो की थी ना। अरे इसका है ना एग्जाम है इसलिए मैं ना इसको है ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वरना मैं कर लेता यार। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज नहीं। देख तेरा तो बर्थडे है ही लेकिन साथ साथ में मम्मी का भी तो है ना यार। तू एक काम कर, सिर्फ तू मेरा कैमरा पकड़, मैं अकेले ही कर दूंगा। एक दिन तो मिलता है ऐसे स्पेशल फील करने का, और उसमें भी तुम लोग ऐसे करते हो। प्लीज बात मान ले पायल, प्लीज उठ जा उठ जा उठ जा। चलो गाइस बहुत ही अच्छी लड़की है, प्लीज लाइक करो फॉलो करो। सब खुशबू की गलती है ना, इसका एग्जाम होता ना मुझे कोई काम करना पड़ता। प्रिंसिपल मैम से बात कर आती, 15 तारीख को है ना कोई भी एग्जाम नहीं होनी चाहिए, पायल दीदी का बर्थडे, मेरे लिए अकेले तो डेट चेंज करेंगे नहीं। तो फिर ये VIP थोड़ी ना है ना, पर थोड़े दिनों में बन जाऊंगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों लड़कियां है ना एक दूसरे के साथ बात कर रही है लेकिन काम नहीं करना ना, तो ऐसा बोल रही है कि पढ़ाई कर रही हूँ मैं। अरे यार मैं
सच्ची में पढ़ाई कर रही हूँ, वो दीदी है ना एक स्टोरी बता रही थी तो मैं वही सुन रही हूँ। मैंने सुना कौन सी स्टोरी बता रही थी, अभी सारा का सारा पूछूंगा, ये सारा का सारा अभी पूछूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके पास कोई हक नहीं पूछने। और तू सो रही थी ना, सो जा चल चल सो जा, 12 बजे मैं उठाऊंगा। ठीक है, एक भी आवाज आई ना तो देख लेना घर से बाहर निकाल दूंगा। मम्मी को 15 अप्रैल को जन्म लेना था। मैंने दीदी को बोला कि दीदी तू कितनी लकी है कि मम्मी और तेरा बर्थडे एक ही दिन आता है। सही बात है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा और पापा का बर्थडे एक दिन आए, पर हो नहीं सकता अब। मैं भी चाहती हूँ कि मम्मी नहीं तो पापा के में से कोई एक जन का ना बर्थडे मेरा साथ होता। वो दिन तो मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है। भाई एक बात कहूँ? बोल। सबसे बड़ा एक टास्क करना पड़ेगा आपको। क्या? घर में सेलो टेप फाइंड करना पड़ेगा। अरे क्या बोल रही है तू, सेलो टेप इधर ही है, ये ले। अच्छा आप लेके आए हो, तो फिर मेरा काम हमेशा परफेक्ट ही होता है। कुछ इस प्रकार का डेकोरेशन किया है मैंने अकेले ने। खुशबू बता तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने अकेले किया है डेकोरेशन, वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, पापा उठ जाएंगे तो कोई बात नहीं, कह देंगे कि दीदी का बर्थडे विश कर रहे। मम्मी बताओ डेकोरेशन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा बेटा, देखा मैंने किया है। अगर मम्मी मेरा एग्जाम नहीं होता ना, इससे अच्छा डेकोरेशन करके मैं आपको बताती। तू इससे खराब करती। मम्मी को मेरे पे विश्वास ही नहीं। विश्वास कैसे करेगी, तू एक भी काम सही ढंग से करती है। मैं जा रही हूँ सोने, मुझे किसी का बर्थडे विश नहीं करना। 12 बजने में ना सिर्फ 5-10 मिनट बाकी है, सो फटाफट से ना फ्रिज में से केक निकालते हैं। मैं लेके आया हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक। ओहो, हम सबका फेवरेट है ना इसलिए। दीदी कैसा लग रहा है, बस 10 मिनट में आपका बर्थडे आने वाला है। अच्छा लग रहा है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार अपने बर्थडे के दिन बर्थडे मना रही हो? पहली बार अपना ना सही टाइम पे बर्थडे मना रही है। हाँ, नहीं तो कोई भी डेट को बना लेती थी मम्मी। ये रहा मम्मी और दीदी का प्यारा सा केक। फाइल वैसे ही रहेगी, थोड़ा सा मुंह धो ले प्लीज, थोड़ा सा रेडी भी हो जा। सूजा हुआ मुंह लेके मैं केक काटेगी। 12 बज गए हैं, सो अब हम काटेंगे केक। फाइल विश मांग ले। पायल मांग रही होगी कि मेरा इस बार रैंक आ जाए, फर्स्ट रैंक। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा विश मांग रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पायल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Payal. Thank you. Happy birthday, mummy. Thank you. इतना सारा एक ही बार में गिरा देते हैं मुझे। आपने क्या किया? मैंने भी वही कर दिया। मम्मी आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या चीज? ये लो, खोलो, आपका बर्थडे गिफ्ट। पायल तुझे ना मैं बाद में दूंगा कल, ठीक है? मम्मी की एक्साइटमेंट तो देखो। जल्दी जल्दी मम्मी जल्दी। मम्मी गैस करो क्या होगा। चलने में गया। इतना बजट हरपन नहीं होता कि गले में का मिलेगा हर बार। ये नहीं तो कान का होगा। देखो देखो खोल के। मम्मी सोचती है कि हमेशा बड़ा सोचो, इसलिए मम्मी ने सीधा बड़ा ही सोचा है। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। डिजाइन कैसा लगा? बहुत सुंदर है। हर बार काहे रोइए रोइए रोइए। रो गई रो गई। मम्मी ए यार तुम लोग हंस रहे हो और वो रो रही है। मम्मी मम्मी
पहन के तो देखो मम्मी, कितना मस्त डिजाइन पसंद किया हमने, देखो देखो कितना मस्त डिजाइन मम्मी है ना। मम्मी अब रो मत, बस आप पे बहुत सुंदर लगे। एकदम यूनिक पीस है मम्मी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। रख देते मम्मी, बहुत महंगा है, संभाल के है ना। मम्मी एक चीज बोल, ये नकली है, नकली है। मम्मी देखो गाइस, झूठ नहीं बोला, मम्मी का रियल आंसर है, देख लो। हाँ, देख लो, देख लो, रियल आंसर है। मम्मी को लगा ये जो है असली है। मम्मी ये असली थोड़ी ना, ये तो दिख के नकली लग रहा है। आपको कैसे असली लगा? नहीं, मेरे को लगा कि ये असली है। मतलब मम्मी को है ना सोने का पहचान नहीं है। पर मम्मी बताओ ये कितने का होगा? पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं। 3500 का है, पर हमने डिस्काउंट में 2500 का लिया है। लेकिन पूरा सोने जैसा दिखता है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है ये चीज, सोना नहीं निकली तो? बहुत दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं खुश हूँ। ये लेके भी खुश हूँ? हाँ, आप लोग दिए हो। थैंक यू मम्मी। मैं भी हाँ, तीनों मेरे बच्चे दिए हो। हक कर दे मम्मी को, हक कर दे। गाइस रुको रुको, मम्मी आंख बंद करो अपना। उधर 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 है, उधर आंख बंद ही रखना मम्मी, खोलना मत, ठीक है? मम्मी ये आपके लिए, आंख खोलो, बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज। खोलो। आज पायल को हम कैमरामैन बनाएंगे। क्या है मम्मी, क्या है? अब गेस करो क्या है इसके अंदर। मेरे को मालूम नहीं। अब विश्वास उठ गया है। अब मैं नहीं बता सकती। पहनो पर खोलो 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 खोलो। ये इसका डिजाइन ऐसा है मम्मी, ये तो असली है मम्मी। मम्मी मम्मी हर बात में मम्मी का है ना, आंसू टपकता ही रहता है, पूरी रियल है मम्मी। रो मत मम्मी, रो मत, यू डिजर्व मम्मी, ये आप डिजर्व करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो वो गाइस को नहीं पता है, पर हम लोग को पता है ना मम्मी। हाँ मम्मी, आप हमारे से डबल मेहनत करते हो, सारा सामान आप लेके आते हो, कौन सी वीडियो बनानी है वो सब बताते हो, वही तो आप डिजर्व करते हो। हाँ, हम कैमरे के आगे दिखते हैं और आप कैमरे के पीछे रहते हो, सही बात है ना? मेहनत करते हो मम्मी, रो मत। चलो गाइस मम्मी को पहनाते हैं। हाँ, पहनाओ पहनाओ। सही में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये बाल उठाना पीछे से। मम्मी खुश हो आप? बहुत खुश हूँ। दिखा दो डिजाइन गले में का, पहले कान में तो पहन लेने। पायल तुझे कैसा लग रहा है, हमने ये चीज ले लिया? अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। मम्मी बहुत महंगा है, पूरा रेट तो नहीं बताएंगे लेकिन बहुत महंगा है। खुशबू पहना ना मम्मी को। मम्मी दे ही नहीं रही। वो बेटियां मिलकर माँ को तैयार कर रही है। फिर से मत रो ना, फिर से मत रो ना। थोड़ा पूछ लेती हूँ अच्छे से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज तो मैं रानी परी दिख रही हूँ। रानी परी। कुछ नया लाई, रानी परी। मम्मी मिस क्वीन लग रही है। सो गाइस थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग की ही सपोर्ट की वजह से आज है ना मम्मी पापा को है ना मैं अच्छे अच्छे गिफ्ट जो है वो दे पा रहा हूँ। मतलब मैंने जो जो मैंने सपना बचपन में सोचा था वो सपना पूरा कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपका ही सपोर्ट है तो हम इतना आगे ना बढ़ रहे हैं। और हमारा है ना मतलब सक्सेस देखकर है ना कुछ लोगों को है ना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन गाइस ऐसी बात नहीं है, हम लोग ने ना पहले मेहनत की है उसी का फल है ना हमें मिल रहा है।
अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो आप भी है ना बहुत सारा मेहनत करो। हमने तो अभी पूरा 100% अपना दिया भी नहीं, तो भी हम लोग को इतना मिल रहा है। आप थोड़ा उठो और थोड़ी सी मेहनत करो प्लीज। किसी को देख के है ना ये मत सोचो कि उसको इतना मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, उसको इतना मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आप अगर मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे ना तो देखना आप लोग को भी एक ना एक दिन है ना जो फल आपको चाहिए ना वो फल मिलेगा ही। और है ना मतलब मेरे से है ना कुछ लोग है ना मतलब क्या बोलते हैं जेलस, यस वो हो रहा है। लेकिन गाइस मैं क्या करूं, मेरी मम्मी ने बचपन से मुझे ना मेहनत करना ही सिखाया है, किसी के साथ है ना कंपटीशन करना नहीं सिखाया। मम्मी ने बोला है आपका कंपटीशन है ना अपने साथ होना चाहिए तभी तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। और बचपन से ये ना मैं ना ये है ना बात मान के ही रखूंगा है ना मम्मी। किसी का भी ना कुछ भी सामान देखकर है ना मुझे बचपन से ऐसा नहीं होता था कि मेरे पास भी ये होना चाहिए मेरे पास भी ये होना चाहिए। मुझे जिस चीज की जरूरत जब लगी है तभी मैंने वो चीज लिया है। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो वो चीज आप खुद कमाओ खुद करो। यस, लेकिन किसी को देख के ना उल्टा सीधा मत करो। और भैया हमेशा ना मेहनत का फल मीठा ही होता है। yes. सपोर्ट करने के लिए आप लोग हो तो हम लोग है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना एंड सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय।